मैं तो कह रहा हूँ अब आप अम्मा को छोड़ें, आप ही कोई रिश्ता देख लें, कोई कॉलेज की दोस्त वगैरह कोई तो होगा। है लड़के पागल हो गए हो, अम्मा से खुलेआम जंग का ऐलान नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर दो। आपकी माँ और आपकी बहन को इतना एहसास नहीं है कि कम अज कम आपका स्ट्रेस जो है ना लेवल वो ना बढ़ाए मेरी शिकायतें कर कर के। अच्छा रहने दो बस, तुम्हें क्या लगता है कि फैमी बात का बतंगड़ बनाती है, बढ़ा चढ़ा के करती है मेरे आगे? उसे दुख हुआ है, उसे तकलीफ पहुंची है कि जब भी वो इस घर में आती है तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसका यहाँ आना। आज घर में कुछ हुआ है क्या भाई साहब? अम्मा भाभी सबका मुंह बना हुआ है। होना क्या है, वही कल वाली बात। कल वाली कौन सी बात? भाभी ने जो सबके सामने कह नहीं दिया था कि घर में सबके आने जाने की वजह से पढ़ाई का हर्ज हो रहा है फाखिर का। हाँ, अब उसी बात पर अम्मा ने भाई साहब को बहुत भड़काया और उसके बाद भाई साहब ने भाभी को बहुत बुरा भला कहा। अम्मा ने क्यों परेशान किया भाई साहब को? बताया भी है कि वो स्ट्रेस नहीं ले सकते। यही तो भाभी कह रही थी। उसके बाद क्या हुआ, भाभी के हाथ से दवा नहीं ली उन्होंने? जी भाभी खाना लेकर गई, वो भी वापस कर दिया, फिर मैं लेकर गई जब तक खाया। कल बात करूंगा अम्मा से, भाई साहब की सेहत की किसी को परवाह नहीं, किसी को। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। जी कपड़े निकाल दूं आपके? तो गई भाई, ये सब की बातें मेरे सामने क्यों हुई थी? फाखिर खत्म कर, फाखिर फाखिर जाओ अपने बाबा को लेकर आओ पानी। देख आता एक सेकंड, फिर झगड़ा हुआ है उनके बीच में। और तुम्हारे बाबा का काम ही क्या है, मैंने जाके पानी दिया ना तो शायद पिए बिना। तो ये कभी नहीं सुधरेंगे, बीमारी की हालत में भी हुई हालत। क्या बदतमीजी है ये, बाबा है तुम्हारे, मान लेती हूँ। चारों पानी गिरा दिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सलाम बेटा, चल दिए काम पर? जी चल दिया काम पर। नाश्ता कर लिया? जी मैंने नाश्ता कर लिया। अम्मा वो आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ कहो बेटा। वो आपको पता है भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें इतना स्ट्रेस बन दिया गया है। अच्छा तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें पट्टी पढ़ा के भेजा शायद? माँ भाभी से तो मेरी कोई बात नहीं हुई है, मुझे आयशा ने बताया था। अच्छा तुम्हारी बीवी कौन सी कम चुगल खोर है? ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा, कल असल में सबका मुंह बना हुआ था तो मैंने उससे पूछा। खैर मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं की अगर नहीं जिससे भाई साहब को टेंशन। क्या मतलब है तुम्हारा, यानी जहीर को सारी टेंशन हम देते हैं? कमाल है भाई, क्या जमाना आ गया, माँ को ही औलाद का दुश्मन बना दिया। मैं बस ये कह रहा हूँ कि घरेलू मामलात की वजह से ना आप खुद परेशान हो और ना जहीर भाई को परेशान करें। बहस करने का भी टाइम नहीं, मैं ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है। ठीक है आने तक। समीना, समीना जी, एक कप चाय बना दो मुझे ना। अभी रात वो फाखिर कहाँ है? अब वो स्कूल गया था ना, तो उसके बाद अपने दोस्त की तरफ चला गया पढ़ने के लिए, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, मैं चाय लाती हूँ।
ना चाय पिला दो भाई। बड़ी आवाजें दी जा रही है, अट्टा है दोस्ती हो गई। हाँ इसे चाय का किसी और से भी कहा जा सकता था, हंसते भी कहा जा सकता था। कहा आपसे मरते हैं आप पे दिली दिल में मरते हैं। आधी उम्र गुजर गई, हम तो बस खिदमत पे मामूर, रह नहीं सकते आपके बगैर। वैसे मुझे ये बात बता, सुने चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना रहे। चीनी डालो। हाय भाभी हो तो आप जैसी और बीवी हो तो आप जैसी, और मेरी चाय बन गई है, चाय उबल गई है, आटा गूंद गया, पराठे बनाने, अभी सारे बच्चे आ जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाई साहब ये आप हिसाब चेक कर ले। अरे यार तुमने चेक कर लिया काफी है। भाई साहब आप कर लेना चेक। क्या करूँगा मैं चेक करके, वो सब संभालो ये सब कुछ तुम्हें, बाकी के पैसे उसको अपनी शमीना को दे देना बस। जी बेहतर भाई साहब। सुनो बात की थी तुम। अरे वो मुझे मौका ही नहीं मिला मैम। आपने बात की भाभी से? मुझे कहाँ मौका मिला है, इतने लोग आ जा रहे हैं, सुकून से दो मिनट बैठ के बात नहीं कर सका। लेकिन देखो इस मामले को जल्दी निपटाना है हमें। जी ठीक है भाई साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। जाओ। अच्छा अच्छी तरह से सफाई करना, चादरें वादरें हटा के नीचे से भी निकाल लेना सारी खाक मिट्टी धूल, और खिड़कियां विड़कियां खोल ताकि हवा आए इसके अंदर। मेरे बेटी दामाद बच्चे बच्चे सब आ रहे हैं, कोई कमी ना रह जाए। अच्छा ये अच्छी तरह साफ करना, यहाँ बहुत मिट्टी है। आयशा आयशा जी जी अम्मा, खाने की सारी तैयारी मुकम्मल है? जी अम्मा। अच्छा तो हबीब को फोन करके कह देना कि एक तो जल्दी आ जाए आज, और दूसरे 2 किलो मिठाई का डब्बा लिया गुलाब जामुन का। ठीक है ठीक है। और हाँ वो जो मैंने कहा था ना गोश्त और कीमा और झींगे वगैरह लाने के लिए, वो सब तुमने बता दिया? जी जी अम्मा, वो लिस्ट तो दे दी थी, बस गुलाब जामुन रह गई, मैं अभी कॉल करके उनको कह दी। अच्छा ठीक है चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ। अच्छी तरह सफाई करना, ये देखो मेज कितनी गंदी हो रही है, जल्दी करो। आखिर ये क्या तुम हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, पढ़ाई पे तवज्जो दो। अभी खेलने बैठा हूँ थोड़ी देर पहले, वैसे पढ़ ही रहा था। अच्छा सुनो 2-3 दिन में ना तुम्हारी बड़ी फूफो आ रही हैं, तो जरा घर पे ही रहना। कौन सा मुझसे मिलने आ रही है? वही बात, तुम्हारे पापा भी खुश हो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है अभी गेम खेल लो, थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा पढ़ने बैठो। सही है। अच्छा कबाब तलती का, जरा भूख लग रही है, प्लीज मिल्कशेक भी बना दीगा, सही रहेगा। अच्छा अच्छा सुने तो बहुत खर्चा हो गया, फायजा की फीस भी देनी है। वो मैं भाई साहब से मांग लूंगा, वैसे तुम फिक्र मत करो। अच्छा वो कमेटी के पैसे भी देने हैं, और सुने जो आप घर का सौदा और सामान लेकर आए सब अपने पैसों से लेकर आए? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, वो भाई साहब ने जो भाभी को खर्चे के लिए दिए थे उसमें से लेकर आया हूँ। अच्छा
एनी की फेयरवेल भी है, उसको नया जोड़ा बना के देना है। फेयरवेल का जोड़ा? तो फजूल खर्चे हैं ये। रहने दें आप, मैं भाभी से कह दूंगी, वो बना के दे देंगी। आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। मैं क्या कर सकता हूँ आयशा, मैं खुद भाई साहब का मुलाजिम हूँ, वहाँ नौकरी करता हूँ। तो कर लेना कारोबार, किसने रोका है। हाँ कारोबार कर लेता हूँ, ठीक है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? कारोबार के लिए पैसे चाहिए होते हैं। भाई साहब से उधार लेके देखे ना। सब कुछ सोनी का दिया हुआ है, आप कारोबार के लिए भी उनसे उनसे पैसे लूं? दुआ करोगे भाई साहब का साया हम पर कायम रहे बस। आमीन। जब तक भाई साहब हैं सब ठीक है। हनी क्या यार, ये बता, समझा। मैं नहीं समझा रही, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। यार बन क्या रही हूँ, समझा दूँगा प्लीज। क्या मुसीबत है? अच्छा ये वाली, ये वाली लो। ये तो मैं समझ नहीं आ रहा, पेपर का है, कॉपी का है, पेंसिल का है, कुछ भी नहीं। किसी से काम चला लो ना अभी, जल्दी से समझा दो यार। कौन सा वाला? ये वाली, पहली वाली। हलवा है ये मेरे लिए, पर ये नहीं आ रहा तुम्हें। 4 का तुमने निकाला स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर हम इसको माइनस कर देंगे और फिर प्लस आ गया ए प्लस बी, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आया समझ? ये हो गया पूरा सॉल्व, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक से बात आया समझ? समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। मैं तुम्हें जितना भी समझा लूँ ना, तुम्हें समझ नहीं आना। सदा के डफर हो तुम। डफर खुद होगी, मुझे क्यों बोला डफर? मैं तो बोलूँगी तुम्हें डफर, लूजर, बैक बेंचर, जाओ यहाँ से, जाते हो नहीं बच्चों, बेटा बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे यानी क्या कर रही है ये लड़की? आयशा भाभी अपनी बेटी की हरकतें देखें आप। एनी सॉरी बोलो फाखिर से। मैं क्यों उसे सॉरी बोलूँ? एक तो मैंने उसे मैथ प्रॉब्लम समझाया और ऊपर से वो मुझसे लड़ा है, कोई इससे भी तो पूछे। डफर, लूजर, बैक बेंचर। कैसे बोल के चलेगी ये भाभी? बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। आप कुछ लेंगी? हाँ भाभी मुझे ना एक कप अच्छी सी चाय पिला दे। मैं लाती हूँ। ये लो भाई पूरे पैसे। शुक्रिया है यार। वैसे जमशेद भाई शादी की बिरयानी कब खिला रहे हो? पता नहीं यार, दुखती रख पे हाथ रख दिया तुमने। तो मुझे तो लग रहा है जब तक अम्मा की बिरयानी नहीं खाएंगे ना, शादी की बिरयानी नसीब नहीं होगी। अरे ऐसा क्यों बोलते हो जमशेद भाई, मेरे साले की लड़की है, बीए की हो गई, शक्ल भी अच्छी है, और तो बात चलाऊँ, बस थोड़ी सी है सेहतमंद। है यार कैसी बात कर रहे हो अफजल भाई, नेकी और पूछ पूछ। मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, तस्वीरें मंगवाता हूँ। नहीं 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 तस्वीरें छोड़ो, मेरी तरफ से हाँ है। अरे बिना देखी? अरे हाँ यार, शादी के बाद सब लड़कियाँ वैसे भी एक जैसी हो जाती हैं। ये बात तो सही कह रहा है, वो वैसे तेरी अम्मा मानेगी सही? इस बार मैं लड़की पहले खुद देखूंगा, बाद में अम्मा को बीच में डालूंगा। ओ भाई देख ले। अबे यार तू कोल्ड ड्रिंक पिला दे बस। अच्छा अच्छा ठीक है। कप। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और तुम्हारी तो आज बड़ी पप्पू नहीं आने वाली? बड़ी पप्पू? बड़ा अजाब। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता यार उनके बारे में, बहुत खतरनाक औरत है वो। मस्कत से आती है पाकिस्तान, यहाँ पे आके ऐसे प्रिटेंड करती जैसे पता नहीं मस्कत में उनकी कोई तेल के कुएं हो। पाकिस्तान की हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती। ऐसी है वो? ऐसे मत पूछो यार उनके बारे में, कसम से घर जाने का भी दिल नहीं कर रहा मेरा, और ऊपर से अम्मा ने बोला हुआ कि तुमने घर पे ही रुकना। तुमने स्टे क्यों खत्म करी मेरे साथ है? कितने झूठे हो तुम, तुम्हें मैंने बताया था मेरे घर पे लाइट नहीं थी यार। वो अच्छा लाइट की वजह से तुम्हारी स्ट्रिक्स खत्म हो? यार इंटरनेट नहीं चल रहा था ना। यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और ये पिद्दे पिद्दियाँ डेट मार रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन है ये?
क्या कर रही हो? बस घर का कुछ एहसान। जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ हाँ कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? देखो, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, डर गया हूं मैं। फजूल में परेशान ना, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा। रशीद भाई को देखा आपने? तीन तीन हार्ट अटैक हुए उन्हें, कैसे ठीक ठाक फिर रहे हैं। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना तो पता है ना मुझे। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। आखिर एक ही एक बेटा है मेरा, मैं मरने से पहले उसकी सारी खुशियां अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। हाँ तो देखेंगे ना, उसकी सारी खुशियां देखेंगे आप। चल अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसकी शादी करूं। क्या? मामू आप यहाँ पे? हाँ बेटा, जब आप यहाँ पे हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मुझे भी भूख लगती है, मैं भी इंसान हूँ, बल्कि मुझे तो तुम लोगों से ज़्यादा भूख लगती है। आप सही कह रहे। दो क्या हो रहा है, कौन है ये? ये दोस्त है मेरी। अच्छा बेटा, वो आपकी कोई मामी चाची खाला वगैरह कोई है कुंवारी? बेचारी को बड़ी भूख लग रही थी आज, घर से भी कुछ खा के नहीं आई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ ले उसको खाना वाना खिला दूँ। ओ अच्छा, वैसे भूख तो तुम्हारे इस बेचारे मामा को भी बहुत लग रही है, तो क्या मुझे भी खिलाओगे? क्यों नहीं, आपको सब खिलाऊंगा जो आप बोलेंगे। क्या कहेंगे आप, मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट है, आपको अल्लाह के अलावा कौन रोक सकता है? अच्छा मतलब ट्रीट है, तो फिर मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूँ ना? कुछ भी ऑर्डर? हाँ आप जो भी आपको। हाँ तो बस सही है ना, मैं ऑर्डर करता। ऑर्डर उधर उधर ऑर्डर उधर उधर आए उधर ऑर्डर उधर आ कैसे करते बेटा, आप खाओ आराम से। हाँ लोग आते हैं, हाँ लेकिन आप आए, मैं आपको ऑर्डर करवाता हूँ इधर। बताएं जो भी आपने। यार एक प्लेट कढ़ाई कर देना, सी कबाब कर देना और बिरयानी कर देना, बाकी सलाद रायता भी मिलता है यहाँ पे। सिंधी मुस्लिम थोड़ी है ये। यहाँ क्या मिलता है वो तो तुम लोग खा रहे हो, वो मंगा लो ना, वो बन कबाब वगैरह। ओके ओके मैम, एक अल्फ्रेडो पास्ता कर दीजिएगा। वो अल्फ्रेडो मैं खाना ही खाऊंगा, खाली खाने की चीज़ है। एक जिंगर कर देंगे। हाँ जिंगर ही बन के आप चपोटले बर्गर कर दें, सही है। एक पिज़्ज़ा कर देंगे, पिज़्ज़ा कौन सा महंगे? जो भी हो, जो भी टिक्का का हम। अब वो भी वो छतरी वाला नहीं, फिर तुम लोग हरे रंग का वो बस। हाँ फ्लश, वही भाई जान एक फ्लश भी कर दीजिएगा। फ्लश कर दीजिएगा जो भी ये कह रहे हैं। आपसे कौन से बैठ के खाएं, मैं बैठता हूँ उसके साथ पे जाके। हाँ हाँ तुम लोग जाओ एंजॉय करो, ठीक है? क्या मामू, मैं इस बारे में किसी को बताएगा नहीं। किसके बारे में? इसके बारे में। किस बारे में? सही है, चलो तुम लोग बैठो अपना आराम से एंजॉय करो, खाना वाना खाओ। हैं तुम्हारा तो आ गया है बर्गर वर्गर, हैं ठीक है ना। अच्छा बेटा उनसे पूछना अगर कोई मामी आमी हैं कुंवारी तो मेरे लिए। मामू मामी कैसे कुंवारी हो? हाँ ये भी है, तो बैठो तुम लोग खाओ एंजॉय करो, तुम्हारा तो आ गया बर्गर वर्गर। हैं सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। साखी की क्या बदतमीजी थी, तुमने क्या बोला? बेचारी भूखी थी इसलिए खाने नहीं आया, क्या मतलब? मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आने वाले, मेरे जो मुँह में आया मैंने बोल दिया, कुछ सोच समझ के थोड़ी बोल रहा था मैं। जी फाखिर जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारे बहुत एक्सक्यूजेस हो गए हैं आजकल। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, जानते हो यार मेरी फैमिली को अजीब अजीब बातें बनाते हैं वो लोग जाके फिर। फिर यहाँ से तो चलते हैं यार, अभी उठो चले। चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। बुलाओ ना वेटर को पैक कराने। आ चल के करा लेते ना यार, वहाँ पे चल के बोलते हैं। अच्छा चल दे दूंगा आप खाली का जो भी आपने खाना। फाखर तो शादी की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना उसकी उम्र क्या है? 17 साल का है, बस्ता लेकर स्कूल जाता है वो,
स्कूल में पढ़ता है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, वो बहुत छोटा है। मैंने फैसला कर लिया। आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते? आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका नहीं मेरा भी बेटा है। मजाक कर रहे हैं आप, है ना? मजाक कर रहे हैं ना आप? ज़हीर, ज़हीर, आप मजाक नहीं कर रहे, आप संजीदा हैं, आप फाखर तो शादी की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना उसकी उम्र क्या है? 17 साल का है। बस ताली कर स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, वो बहुत छोटा है। मैंने फैसला कर लिया। आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते? आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका नहीं मेरा भी बेटा है। बस करो समीरा, बस। ज़हीर, कर लिया फैसला। नहीं, ये नहीं हो सकता है ज़हीर, ये मेरा मामला नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आयशा, अरे कहाँ, लो तुम यहाँ बैठी हुई हो, सारे घर में ढूंढते फिर रहे हम तुमको। कहिए अम्मा, क्या हुआ? खैरियत? वो ज़हीर और समीना के दरमियान क्या झिक झिक हो रही थी आज, तुम्हें कुछ खबर है? हमें नहीं पता अम्मा। ओयो, कि मियाँ बीवी के बीच में कोई बात? लो, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ना पता हो? हमें वाकई नहीं पता, हमसे बात करती तो है हमेशा भाभी, लेकिन आज नहीं, कि टेरिस पे जाते हुए देख रहे थे हम उनको। पता नहीं क्या बात हुई मियाँ बीवी, लगता है ने बात कर लिया उससे। क्या बात अम्मा, खैरियत? क्या हबीब ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, सब खैरियत तो है, क्या हुआ? भाई बात दरअसल ये है कि ज़हीर फाखिर और ऐनी की शादी करना चाहता है। क्या करना चाहता? अरे भाई, ज़हीर अपनी सेहत की वजह से परेशान रहता है, इसलिए वो चाहता है कि अपने इकलौते बेटे की सारी खुशियां अपने सामने देख ले। और क्या, अम्मा छोटे बच्चे हैं वो दोनों, उनके पढ़ने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है उनकी, और अभी भी बहुत जानती है। हाँ, होंगे छोटे बच्चे, लेकिन हबीब ज़हीर को किसी बात को टाल तो नहीं सकता ना। अम्मा ऐनी खान हबीब के बच्चे नहीं है, वो हमारी बच्चे भी है ना, अभी बच्चों के पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। हम इनसे खुद बात करेंगे, हम भाभी से बात करके आते हैं। अम्मा नहीं, बात करने के लिए चलनी तो फीस के जाओ, कहाँ जा रहे हो? तोबा है ये लड़कियाँ आजकल की, तनी क्या दिमाग में आ गया इसके, हम ही फीस देते। हमने उस मूवी का हीरो देखा था, कितना प्यारा लग रहा था। हम लोग उस फिल्म के स्टूपिड हीरो की पढ़ी है, एग्जाम पर है यार। हाँ तो क्या हो गया, हर साल आते हैं यार। तुम्हारे लिए तो फिर कहना आसान है, क्योंकि तुमने तो फर्स्ट पोजीशन ले लेनी है। माँ मुसीबत तो हमारी है। जल्दी चलो भाई, बहन हो गई है। एग्जाम से कोई टेंशन लेने वाली चीज़ है, आराम से चलो करो, फिर दो एग्जाम, चलो जाओ। भाभी, भाभी ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या बातें हो रही है नीचे। अभी ऐनी अभी बहुत छोटी है, आखिर भी बहुत छोटा है, दोनों स्कूल में है। भाई साहब को क्या हो गया भाभी, इस जमाने में कौन इस तरह की बातें करता था कैनूसी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, लेकिन इस तरह की बातें करने से सबको परेशानी के अलावा और क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, पर अम्मा ने चढ़ाया होगा, जानती हूँ मैं। हबीब को क्या हो गया, इतने दिनों से वो फेर पे ये बात रख के फिर रहा था, वो माना कैसे? भाभी, हबीब भाई साहब की कोई बात नहीं डालते हैं, आप जानती हैं। अच्छा, इसीलिए कल रात को यहाँ रुके थे वो, कि मुझसे बात कर सके, मौका नहीं मिला इन्हें। लेकिन मैं खुद बात करूंगी हबीब से, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है भाभी। ये नहीं होना चाहिए, अच्छा लगा के रखा हुआ है बच्चों की जिंदगी का, बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये हो गया तो। अल्लाह ना करे भाभी, अल्लाह ना करे। अम्मा को तो आदाब आमना भी,
कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसी हो? बहुत भूखी, मुझे खाना दे दे। आज तो घर में कुछ भी नहीं बना। क्यों, खैरियत तो है? आज सुबह से घर में चिक चिक चल रही है। अब किस बात पे? ये तो नहीं जानती। हाँ आशा भाभी और बड़ी भाभी टेरेस में बैठी है। अच्छा खैर आप एक काम करें, मुझे एक पराठे बना दे और दो कबाब तल दें, बहुत भूख लग रही है मुझे। मैं मम्मी को देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। जहीर, जहीर ये क्या तमाशा लगा रखा है इन दोनों औरतों ने? घर में खाना भी नहीं पका है, हमारा तो दम निकल रहा है भूखे मारे। अरे और कितने दिन तमाशा लगाएंगी, लगाने दीजिए इन्हें। होना तो इस घर में वही है जो मैं चाहूँगा। आप बस वो सायका के आने की तैयारी कीजिए। कितने बजे है फ्लाइट? पता नहीं, रात को किसी वक्त है, अभी जाएगा ना लेने। बस ठीक है, वो आ जाए तो सब घर वालों के सामने बात हो जाएगी। अच्छा है। अच्छा ये तुम क्या कर रहे हो दवाइयों के साथ है? क्या हो रहा है? बस ये खाना नहीं तुम ये बगैर कुछ खाए हुए, कोई दवाई नहीं खाओगे खाली पेट में तेजाबियत हो जाती है, तुम्हें पता है ना। कुछ भिजवाती हूँ, कुछ जो कुछ भी होगा घर में भेजती हूँ, खा के खाना दवा। अम्मा ऐसे क्यों रो रही हैं? मां क्यों ऐसे शख्स के लिए रोती हैं जो आपकी कदर ही नहीं करता? चाहिए आज के अम्मा के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। क्यों, मुझे क्या हुआ है? आई लव यू बच्ची के सी मच। बच्ची को कोई दुख ना, को हमेशा आपका दिल बानो बच्चे। अच्छा हो गया अम्मा, क्यों अचानक से मेरे लिए इतना परेशान हो रही हैं? हाँ अगर आपको दुआ करनी है ना, आप इस बारे में दुआ करें कि सायका पप्पू का प्लान कैंसिल हो जाए। आमीन सुल्लाह आमीन। काश। अच्छा आप इतनी प्यारी हैं, नानू को यही घर मिला था आपकी शादी करने के लिए? नानू को तो अपने ऊपर से सिर्फ बोझ उतारना था। ऐसे भी कच्ची उम्र में हर लड़का शहजादा लगता है। शहजादा आया पहले बात माँ, बाबा आपको डिजर्व नहीं करते। स्कूल से ही हाथ और थोड़ा भी शान। मैं ठीक हूँ। तेरे पानी लेकर मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ बेटी जी। मैं ठीक हूँ। चल, चल, मैं आती हूँ। शुजात। तुम कब आए? थोड़ी देर हो गई, पता ही नहीं चला। अच्छा जमा कर लिए सारा किराया? हाँ हो गया अम्मा, वो उनका रजा साहब का और सायरा बाजी का रह गया। किस खुशी में रह गया भाई, अब गए थे बाहर तो सारा किराया लेकर आते ना। अरे अम्मा इंसान हूँ, थक गया था, गर्मी देखी है आपने बाहर। और वो वैसे भी उनका सायरा बाजी का फोन आया था, वो कह रही थी कोई 5 दिन का वक्त चाहिए उन्हें। किस खुशी में 5 दिन का टाइम दे दे भाई, और है कोई बेवफंड खोल रखा है हमने? माँ कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी पुरानी किराएदार हैं, होगी कोई इमरजेंसी ऐसी भी क्या पैसे की वो? हाँ कैसे काट खाने को दौड़ रहे हो अम्मा को, इतना भी क्या चिड़चिड़ापन? फिर पड़ गया वही शादी का दौरा। क्या शादी का दौरा अम्मा, आपने कौन सी शादी करानी है मेरी? आजकल का दौर देखा है, इतने इतने से बच्चे हैं, डेटे मार रहे हैं और एक मैं हूँ। हाय 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 क्या बोल रहे हो तुम है?
किसके बच्चे डेढ़े मार रहे हैं बता दो सही। अरे कोई नहीं है अम्मा। फिर भी पता तो चले, अपने खानदान के हैं क्या? अरे अम्मा कोई नहीं मार रहा था। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर ना आपको सिर्फ यही सुनाई दिया कि बच्चे डेटे मार रहे थे। मेरी शादी यहाँ पर भी भूल कर गई आप। जी अम्मा आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। तुम लोगों के अगर ड्रामे खत्म हो गए हो ना तो साका के आने की तैयारी कर लो। जी अच्छा, कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। देखो मेरी सायका आ रही है अपने बच्चों और शौहर समेत। उसके आने के बाद कोई तमाशा ना देखूं मैं होता हुआ यहाँ पे। समझ गई? समझी कि नहीं? जी अम्मा ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही काफ़ी है। क्या कहा, क्या कहा? उसकी ज़बान क्या लतर लतर चलती है, बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं। समीना वो फाखिर आया वापस? नहीं। अच्छा वो आए तो मुझे बताना, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। क्या बात करनी है आपने उससे? क्यों जिद कर रहे हैं? उसकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटा है अभी फाखिर। क्यों इन जमीनों में फंसा रहे हैं उसको? आपको लगता है कि वो भी ये सब कुछ चाहता है? देखो मैं जानता हूँ कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जो मैं समझता हूँ उसके लिए बेहतरीन है, मैं वही करूँगी। वो सिर्फ हमारा बेटा नहीं, एक जीता जागता इंसान भी है। एक खिलौना नहीं है जिसकी आप चाबी भरेंगे और वो आपके मुताबिक नाचने लगेगा। तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें जो बता रहा हूँ बस वो करो। मैं भी आपको साफ साफ बता रही हूँ, आप अपनी खुदगर्जी में ना अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, खो बैठेंगे उसको। कोई बाप अपनी औलाद की जिंदगी ना तो तबाह करता है ना बर्बाद। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आ रही है? अमना भी आपको क्या वाकई नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है? पता नहीं अनी बाजी, सुबह से ये सब चल रहा है। आशा भाभी भी बहुत परेशान है। मुझे तो लगा कि अम्मा अब्बा की कोई लड़ाई है, तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अब कैसे पता लगा करूं? किसका मैसेज है? एनी का मैसेज है। क्यों, क्या कह रही है? एरी कहाँ हो? क्यों, क्या मतलब? क्यों मैसेज कर सकती? मेरी कसम है। बार बार मैसेजेस क्यों कर रही है? तुम्हें क्या मसला है उसका? तुम ऐसे क्यों रिया कर रही हो? क्या बड़ी बात हो गई ऐसी? फाखिर जब मेरे पास उमर का मैसेज आया था तो तुमने इशू बनाया था ना उस बात का। तुम बदला ले रही हो उस बात का? बदला नहीं ले रही यार, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे तुम्हें जेलसी हो सकती है ना वैसे ही मुझे भी हो सकती है। उमर और एनी में फर्क है, एनी मेरी फैमिली है यार। पर बस अभी बस इस चीज़ का टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बैठो जल्दी, मुझे घर जाना है, कोई मसला हुआ। बैठो शाम को सायका आने वाली है, उसके सामने कोई तमाशा मत करना प्लीज। कहकर गए हैं शाम को सायका आने वाली है, उसके सामने कोई तमाशा ना कर। एनी। जी अम्मा। झाड़ू दे दी बाहर आंगन में? जी। वैसे अम्मा मुझे आपकी समझ नहीं आती, आप खुद ही कहती हैं कि मगरिब के बाद झाड़ू मत लगाया करो, और अब आप भी कह रही हैं कि झाड़ू लगाओ। तो क्या हो गया बच्चे, कभी कभी ज़रूरतन भी करना पड़ता है, घर में मेहमान आ रहे हैं, क्या करें। और तुम बातें कम करो, तो ये जो सब्जी रखी है प्लीज़ काट दो। अच्छा अम्मा
आपसे एक बात पूछूं? पूछो, क्या हुआ? सबको घर में क्या हुआ है? क्या मतलब? मतलब मैं जब से स्कूल से आई हूँ सबका बिहेवियर बहुत अजीब सा है और आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं। कुछ नहीं हुआ यानी? तुम सब्जी काटो, बातें नहीं करो। मैम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे यानी। चुप करके काम करो बस, जल्दी से पहुंच जाएंगे मेहमान। चलो चलो चलो, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ा बच्चा कैसे कि बड़ी हो गई है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे माँ को तो दे दे। अम्मा का घर देख के कितनी खुशी हो रही है। आप लोग अंदर चले, सब आप लोग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कितनी बड़ी हो गई है ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो तो बेहतरीन हो जाऊंगा। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। तुम तो बैठो, थक गई हो सफर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो साइका फराज भाई, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फाकिर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सिमरा सलमान सलाम करो मुमान जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ साइका, क्या हाल है? ठीक है ना सब? अरे मुझे छोड़ें भाभी, भाई का क्या हाल बना दिया आपने? क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों कह रही हो भाभी से? तो और क्या कहूँ, देखो तो सब भाई कितने कमजोर हो गए, तो भाभी की जिम्मेदारी है ना। आयशा का है, नजर नहीं आ रही। पता नहीं, शायद वो बावर्ची खाने में हो गया। वो कपड़े बदलने के लिए गई है, काम कर रही थी ना तो। अच्छा अच्छा, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बड़ी अम्मी ने तुम्हें इतनी कॉल्स की। क्या हो गया, कयामत आ गई क्या? हाँ कयामत आ गई, और तुम्हारा पूछ भी रही थी वो। यार तो वो डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, चलो सबके सामने तुम्हें ना तुम्हें जमीन करेंगे। वैसे भी उनका मूड अच्छा है आज। जल्दी छको। क्या बात है भाई, आना तो बड़ा शानदार लग रहा है। साइका लो लो, भाई को भी। फैनी, भाई को एक मिनट। एक मिनट, ये खाना मिनरल वाटर में बना है ना? हाँ नहीं, है तो टंकी का पानी लेकिन साफ है बिल्कुल। ओहो अम्मा, हमने आपसे कहा भी था सिमरा और सलमान का पेट खराब हो जाता है, बताया नहीं आपने। अरे भाई क्या हो गया, खाने दो ना सबको खाना, पानी पक गया ना खाने के साथ। और क्या, अरे खाओ, कुछ नहीं होता, खा लो। आप लोग चुप रहे, बच्चे तो हमारे, हमें पता है बीमार हो गए तो हमें भागना पड़ेगा हर जगह। अच्छा चलो साइका, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, कल से जैसे तुम बोलोगी वैसे खाना पक जाया करेगा। अभी तो बच्चों को कुछ खिला दो, भूखे रह जाएंगे ना। छोड़े भाई, बस रहने दे। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहर
कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।